ओके गाइस, जैसे कि आपको पता है कि भाई YouTube पर व्यूज़ का तो पहले से ही प्रॉब्लम था। बहुत सारे आप में से यूट्यूबर हैं जिनके व्यूज़ ही नहीं आते थे, लेकिन कुछ यूट्यूबर ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो ट्रिक यूज़ करते थे, अलग अलग प्रकार के कीवर्ड यूज़ करते थे अपने टाइटल में, अपने टैग में, अपने डिस्क्रिप्शन में, कुछ ना कुछ ट्रिक यूज़ करके बहुत अच्छे खासे व्यूज़ गेन कर लेते थे, उनकी वीडियो रैंक कर जाती थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मिसलीडिंग की प्रॉब्लम की वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर कीवर्ड नहीं दे पा रहे हैं, किस प्रकार से कीवर्ड देने उनको नहीं पता है, कौन सा कीवर्ड कहाँ देना उनको ये भी नहीं पता है, किस प्रकार से टाइटल देना है, किस प्रकार से डिस्क्रिप्शन देना है, किस प्रकार से टैग लगाना है ताकि मिसलीडिंग ना हो और आपकी वीडियो भी रैंक करे और आपके व्यूज भी अच्छे खासे गेन हो। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट सिखाने वाला हूं, बिल्कुल आपको मिसलीडिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी 100% वीडियो रैंक करेगी और आपके व्यूज भी अच्छे खासे गेन होंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आपको व्यूज चाहिए और आप चाहते हो कि आपकी वीडियो रैंक करे। एंड गाइस, जैसे कि आपको पता है हर साल के जैसे Amazon पर ग्रेट रिपब्लिक डे सेल चल रही है 19 जनवरी से 23 जनवरी तक, और जिसमें आपको बहुत अच्छा अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है हर एक चीज पर। अगर आपको और अच्छा डिस्काउंट चाहिए तो आप कैश करो एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, वहां पर आपको 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ आपको ₹50 का रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आपको ऐप को डाउनलोड करना है। साइनअप करते हुए आपको ₹25 का साइनअप बोनस मिल जाएगा। सिंपली आपको करना क्या है, सर्च पे क्लिक कर देना और जो भी आप प्लेटफॉर्म पे शॉपिंग करना चाहे Amazon पे चाहे Flipkart पे, वहां पर आपको सर्च कर देना है और वहां पर आपको ऑरेंज कलर का लिखा हुआ आएगा, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन रीडायरेक्ट कर देगी जिस भी आप प्लेटफॉर्म पर जाना चाहे चाहे Amazon पे चाहे Flipkart पे। आप सिंपली वहां से जैसे नॉर्मल शॉपिंग करते हैं कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी परचेस करेंगे तो आपको 7.5% का डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको अच्छे खासे रिवॉर्ड भी मिल जाएंगे। एंड शॉपिंग करने के बाद आप इस ऐप में जाएंगे और माई अर्निंग में जाएंगे, वहां पर आपको रिवॉर्ड मिल जाएंगे जो आपने कमाया है। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं, मैंने ₹9,000 से प्लस यहां पर अर्निंग की है और आप ये अर्निंग को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और यहां पर आपको कुछ डिस्काउंट कूपन भी मिल जाएंगे जिसे आप अगली शॉपिंग पर यूज कर सकते हैं। तो जाइए फटाफट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो गाइस चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस ये सारी चीजें मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर करके दिखाने वाला हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइस मैं आ गया अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं उसको अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से वीडियो का एसईओ करते हैं, कौन सा कीवर्ड कहां देते हैं जहां पर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो मिसलीडिंग की। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, अगर आप वीडियो स्किप कर करके देखते हो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कोई भी फायदा नहीं होगा आपका। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना बिना स्किप किए गए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक अपनी वीडियो यहां पर अपलोड कर लेनी, जो भी आप वीडियो अपलोड करते हो, जिस टॉपिक पर आप वीडियो अपलोड करते हो उसको सिंपल अपलोड कर लेना, लेकिन प्राइवेट करके। बहुत सारे लोग हैंड टू हैंड सारा सब कुछ करते हैं, वीडियो अपलोड होती जाती है उसके बाद सारा सब कुछ वहां पर देते हैं, तो वो चीज नहीं करना। वीडियो को पहले प्राइवेट में अपलोड करना है और प्राइवेट जब वो बिल्कुल कंप्लीट अपलोड हो जाए उसके बाद जो स्टेप बता रहा हूं उन स्टेप को आपको फॉलो करना है। जाना अपने YouTube स्टूडियो में, उस वीडियो को ओपन करना है। ओपन करने पर ये मेरी एक प्राइवेट वीडियो है, डेमो वीडियो है, इस पर मैं सारी चीज़ें करके बताऊंगा, वैसे ही आपको अपनी वीडियो पे करना है। तो यहाँ पर आपको एक एडिट का आइकन मिल जाएगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे, ऊपर आ जाएगा टाइटल का, नीचे आ जाएगा डिस्क्रिप्शन का और सबसे नीचे आ जाएगा यहाँ पर टैग्स का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइटल की। टाइटल इस प्रकार से देना है ताकि मिसलीडिंग ना हो। मिसलीडिंग का मतलब ये है कि आपको बार बार एक ही टाइटल नहीं देना है। अगर आप एक टाइटल का बार बार यूज़ करते हैं, हर एक वीडियो में एक कीवर्ड का बार बार यूज़ करते हैं, जो भी आप वीडियो अपलोड करते हैं उसमें वही कीवर्ड बार बार रिपीट करते हैं, तो आपकी मिसलीडिंग वहां पर होगी। या आप कोई ऐसा वर्ड लिखते हैं जो YouTube के खिलाफ हो, चाहे कोई गाली हो गई, चाहे कोई स्पैम वर्ड हो गया, तो वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। नई हैक फैक ये सारी चीज़ें नहीं करनी है अपने टाइटल में। जो आपका वीडियो का टॉपिक है उसको सिंपल यहाँ पर लिख लेना है। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, अर्न मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, तो ये ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके, इस प्रकार से मेरा कोई वीडियो का टॉपिक है कि ऑनलाइन मनी के ऊपर टॉपिक है, ठीक है। आपका कोई भी टॉपिक हो, किसी भी कैटेगरी का चैनल हो, किसी भी टॉपिक पर आपकी वीडियो हो, उस टॉपिक को आपको इसी प्रकार से लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, तो यहाँ पर मैंने सिंपल यहाँ पर लिख दिया है ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। अब यही चीज़ आपको इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, यहाँ पर आप आपका वीडियो को जो भी टॉपिक हो उसको लिख सकते हैं, चाहे आप थंबनेल कैसे बनाएं, हाउ टू मेक थंबनेल, चाहे आप ब्रेकफास्ट कैसे बनाएं, ब्रेकफास्ट कैसे बनाएं, हाउ टू मेक ब्रेकफास्ट, इस प्रकार से आपका जिस भी कैटेगरी का चैनल हो उस कैटेगरी के हिसाब से सिंपल एक कीवर्ड यहाँ पर देना है, फिर उसके बाद और एक कीवर्ड देना है। तो मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड और दे दिया, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, इस प्रकार से आप भी दे सकते हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इस प्रकार से जो भी कीवर्ड आपकी वीडियो का हो सिंपल यहां पर देना, बाकी कीवर्ड आपको डिस्क्रिप्शन और टाइटल में लगाना है। अब सिंपल आपको यहां पर क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, इसको जरूर कॉपी करना है,
क्योंकि इसको अगर आप कॉपी करेंगे तो आपको कभी भी मिसलीडिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके एसईओ से, आपके मेटा डाटा से, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको टैग में सबसे पहले इसको पेस्ट करना है, टैग में पेस्ट कर देना और सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद टाइटल का काम खत्म हो गया, टाइटल में कुछ और आप ऐड करना चाहें वो चीज़ ऐड कर सकते हैं, 2021 या आपको फास्ट या ईजी वे या कुछ भी तरीके से जो भी टाइटल आप बनाना चाहें वो चीज़ बना सकते हैं। इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको आगे क्या करना है। यहाँ पर अगर आपके सोशल मीडिया के हैंडल हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट हैं, वो आप यहाँ पर अकाउंट दे सकते हैं लाइन बाय लाइन। यहाँ पर लाइन बाय लाइन देना है, किस प्रकार से देना है वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही गाइस मैंने यहाँ पर दे दिया, इंस्टाग्राम का दे दिया, टेलीग्राम का दे दिया और फेसबुक का, यानी कि जो भी आपका अकाउंट हो वो इस प्रकार से देना है। और इसके सबसे ऊपर आपको कीवर्ड देना है अपनी वीडियो के, जो भी कीवर्ड होते हैं अपनी वीडियो से रिलेटेड वो देना है, ताकि आपकी वीडियो ऊपर सर्च में आए। और बहुत सारे यूट्यूबर गलती कर रहे हैं, यहाँ पर कीवर्ड बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, उनको डर लग गया कि भाई हमारा वीडियो स्पैम में ना चला जाए, हमारे साथ ये ना हो जाए, हमारे साथ वो ना हो जाए, मिसलीडिंग ना हो जाए। तो भाई डरो मत, यहाँ पर कीवर्ड आपको कुछ कीवर्ड देने जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, आपके टॉपिक से अलग ना हो, ठीक है। किस प्रकार से कीवर्ड देने वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर कुछ कीवर्ड दे दिया और आपको इसी प्रकार से कीवर्ड देना पड़ेंगे अपने वीडियो टॉपिक के रिलेटेड। पहले मैंने ऊपर वीडियो का टाइटल यहाँ पर पेस्ट किया सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन में, और उसके बाद यहाँ पर मैंने 5 कीवर्ड दिए। आपको 5 से लेकर 10 कीवर्ड देने, ज़्यादा कीवर्ड नहीं देने, ज़्यादा कीवर्ड देंगे तो वहाँ पर मिसलीडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके, मेक मनी ऑनलाइन, अर्न मनी ऑनलाइन। इस प्रकार से आपका जो भी टॉपिक हो, ब्रेकफास्ट कैसे बनाएं, हाउ टू ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट बनाने के ईजी तरीका, जल्दी से ब्रेकफास्ट, यानी कि इस प्रकार से दे सकते हैं। चाहे आपको थंबनेल के ऊपर वीडियो ना, हाउ टू मेक थंबनेल, थंबनेल कैसे बनाएं, थंबनेल बनाने का तरीका, हाउ टू मेक थंबनेल ऑन एंड्रॉइड 2021। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लाइन बाय लाइन कीवर्ड देने, ना कि आपको कॉमा लगा के देना है, कॉमा लगा के बिल्कुल ना दीजिए। और आपको यहाँ पर आराम से खुद लिखना है, यानी कि खुद लिखना है, कहीं से कॉपी पेस्ट मत करना, खुद लिखना। इसके बाद यही कीवर्ड आप उठा के यहाँ पर टैग में डाल दीजिए, सिंपल यहाँ पर टैग में यही कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, या आपको दूसरे कीवर्ड अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे अर्न मनी ऑनलाइन। यहाँ पर इतना अगर आप लिखेंगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मिसलीडिंग अर्न मनी ऑनलाइन। अभी मैं और आपको बताऊंगा किस प्रकार से देना है। जैसे यहाँ पर अगर आप यहाँ पर टाइप करके लिखना चाहें तब भी ठीक है, अगर टाइप करके नहीं लिखना चाहें तो वहाँ से आप सिंपल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आ जाता है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी ऐप का लिंक देते हैं या आप किसी भी वेबसाइट का लिंक देते हैं तो यहाँ पर सिंपल आपको यहाँ पर वेबसाइट का लिंक डाल के या ऐप का लिंक डाल के दे देना। फिर इसके बाद क्या करना है, हैशटैग लगा के अपने चैनल का नाम यहाँ पर जरूर देना है। जैसे गाइस मैं दे रहा हूँ यहाँ पर सचिन टैग, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और इसके बाद हैशटैग का बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पर, हैशटैग ध्यान से समझिए। फिर हैशटैग लगा के अपने, यानी कि जो भी आपका वीडियो टॉपिक है उसी को फिल करना है। सिर्फ और सिर्फ 3 हैशटैग लगाने, ज़्यादा हैशटैग नहीं लगाने। जैसे अर्न मनी ऑनलाइन लगा देता हूँ या अर्न मनी लिख देता हूँ, यहाँ पर अर्न मनी लिखूंगा सिर्फ यहाँ पर। और आपको कोई भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखना है जो स्पैम हो, यहाँ पर अर्न मनी लिख देता हूँ मैं। तो देखेंगे गाइस यहाँ पर मैंने 2 कीवर्ड दिए हैं, अर्न मनी और ऑनलाइन अर्निंग। इस प्रकार से आपको सिंपल यही कीवर्ड देने हैं, बाकी और कीवर्ड के पीछे नहीं जाना है कि आप बहुत सारे हैशटैग लगा के कीवर्ड दे देंगे, किसी और पर्सन का नाम दे देंगे, किसी और चैनल का, किसी और टॉपिक का हैशटैग लगा के बहुत मार तमाम अपने डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि वो चीज़ स्पैम में आती है कि आप कीवर्ड बहुत सारे यूज़ कर रहे हो, बहुत सारे आपने ऐड किए हैं, जिसकी वजह से आपका व्यूज़ बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है। बस गाइस आपको इतना यहाँ पर करना है। और नीचे आपको सोशल मीडिया दे देने हैं, और भी जो भी आपकी वीडियो की इन्फॉर्मेशन हो वो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको मेन जो कीवर्ड है वो ऊपरी दे रहे हैं इस प्रकार के। यहाँ पर पहले आपको टाइटल दे देना है, फिर यहाँ पर 10 या 12 या 5 कीवर्ड आप यहाँ पर दे सकते हैं जो आपकी वीडियो से रिलेटेड हो, जो आपका टॉपिक हो। हर टॉपिक का नहीं बता सकता, लेकिन आपको खुद सोच के लिखना पड़ेगा यहाँ पर किस प्रकार से लिखते हैं। एंड आपको कोई कीवर्ड लिखने में प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता देना, मैं कोई टूल बता दूंगा आपको, उस पे आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर टैग में कुछ ऐसे वर्ड यूज करना है जो सर्च किए जाते हैं, जैसे ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, और यूट्यूब से पैसे कैसे कमाए, यूट्यूब से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। जो लोग सर्च करते हैं, लोगों के माइंड को पढ़िए, लोग क्या सर्च कर सकते हैं। आप अगर सर्च करना चाहें किसी टॉपिक को तो आप किस प्रकार से सर्च करेंगे, अगर वही कीवर्ड आप बना के डाल देते हैं तो परफेक्ट SEO हो गया, परफेक्ट कीवर्ड हो गया और आपकी वीडियो 100% रैंक कर जाएगी। और कोई तरीका मत यूज़ करना, और कोई भी ऐसी जगह जगह से कॉपी करके आपको पेस्ट नहीं करना, वहाँ पर मिसलीडिंग में आ जाएगा। एक सारे कीवर्ड आप देंगे, सिंपल आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना, बना के कोई आपको कुछ भी और ऐसा कुछ लिखना है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, 5-6 कीवर्ड दे दे
देना है, ऊपर टाइटल दे देना, नीचे सोशल मीडिया और हैशटैग लगा के अपने चैनल का नाम, और दो आपको हैशटैग ऐसे लगाने जो आपकी वीडियो से रिलेटेड हो, यहाँ पर जैसे कि गाइस मैंने यहाँ पर लगाए हैं, इस प्रकार से आपको देना और सिंपल यहाँ पर आपको सेव कर देना है और कुछ टाइम बाद आपको वीडियो पब्लिक कर देना है। और ऐसी आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी आप चीज़ करना चाहे अपने वीडियो में, जो भी आप टॉपिक, जो भी आप कीवर्ड देना चाहे अपने वीडियो से रिलेटेड दीजिए, कभी आपको मिसलीडिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी 100% वीडियो रैंक करेगी। और गाइस अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो नीचे आपको कमेंट जरूर करना है। तो गाइस देखा आपने किस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं, आपको इसी तरीके से करना, कोई भी और तरीका यूज़ नहीं करना है। और भी कुछ अगर आप ऐड करना चाहते हो अपनी तरफ से ऐड कर देना है, लेकिन आपको मिसलीडिंग नहीं करनी है, कोई ऐसा कीवर्ड नहीं देना है जो यूट्यूब की कम्युनिटी के खिलाफ हो और आपकी वीडियो उसमें आ जाए मिसलीडिंग में, जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए। ध्यान में रख के कीवर्ड दीजिए, अपने वीडियो से रिलेटेड दीजिए, अच्छे कीवर्ड दीजिए जो आपके सर्च किए जाते हो, ना कि आप उल्टे सीधे हैक फेक ट्रिक फ्रिक, ये बहुत सारी चीज़ें आप जो देते हैं उल्टी सीधी, ये ना देकर आपको अपनी वीडियो से ही रिलेटेड कीवर्ड देने हैं। तो गाइस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहां पर मैं YouTube से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक मैं आपको बताता हूं, जिससे आपको बहुत अच्छा खासा फायदा हो सकता है। तो गाइस दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।